बीते 27 अक्टूबर को राजनांदगांव जिले के घुमका थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम सलोनी खार में मूलतः हरियाणा निवासी महावीर जाट और उसकी पत्नी मीनाक्षी जाट की अज्ञात लोगों के द्वारा हत्या कर दी गई थी, जिसके आरोपियों की तलाश कर रही पुलिस को मिले सबूतों के आधार पर पुलिस ने इस हत्या के आरोपी में पंचपेड़ी शीतला पारा भिलाई निवासी 25 वर्षीय महेंद्र यादव और राजनंदा गांव जिले के डोंगरगढ़ मोहरा निवासी 18 वर्षीय लोकेश उइके को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपी महेंद्र यादव ने पुलिस को बताया कि वह महावीर जाट के पास उसके खेतों में काम करता था। 7,000 प्रति माह के हिसाब से 5 महीने का 35,000 रुपये महावीर ने उसे नहीं दिया। बीते 18 अक्टूबर को वहां पैसे लेने गया उसके फार्म, लेकिन वहां कोई नहीं मिला तो उसके ट्रैक्टर को चोरी करके नागपुर में छोड़कर वापस राजनंद गांव आ गया। उसके बाद फिर रुपए लेने 27 अक्टूबर की रात वह अपने दोस्त लोकेश के साथ उसके घर फार्म हाउस गया। इस बीच उसकी पत्नी से विवाद हो गया और उन्होंने उसकी पत्नी की हत्या कर दी। इसके बाद घर पर जैसे ही महावीर पहुंचा तो उसके सिर पर वार कर उसे भी मौत के घाट उतार दिया। राजनंद गांव पुलिस अधीक्षक डी श्रवण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि मजदूरी भुगतान के रुपए नहीं देने की वजह से आरोपी ने अपने दोस्त के साथ मिलकर दोनों पति पत्नी की हत्या कर दी। हमारे पार्टनर थे। हाँ उस समय भी ये दो